हाय एवरीवन, आज मैं रिव्यू वीडियो कर रही हूँ शी कप और एलेक्स कप के बीच में। शी कप एक ही साइज में आता है, एलेक्स कप दो साइजेस में आता है, साइज वन एंड साइज टू। साइज वन का डायामीटर है 43 mm, साइज टू का डायामीटर है 47 mm। तो जिनका नेचुरल चाइल्ड बर्थ हुआ है, जिनकी एज 35-35 साल से ऊपर की है, उनके लिए ये वाला साइज ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं आपके लिए कौन सा साइज़ ज़्यादा सूटेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे चूज़ योर कप लिंक पर जा सकते हैं और देख सकते हैं आपके लिए कौन सा साइज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों कप्स में है इनके स्टेम स्टाइल। तो शी कप में ये छोटा सा नॉब लगा रहता है, एलेक्स कप में ये लंबी स्टेम है। अगर आप कप यूज़ कर रहे हैं और आपको पूरी स्टेम रखने के बावजूद ये बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो आप पूरा स्टेम साथ में लगे रहने दे सकते हैं। पर कई लोगों को लगता है कि स्टेम चुभ रहा है या उनको फील होता रहता है सारा दिन पहनते हुए बैठे हुए, तो आप स्टेम को काट भी सकते हैं। कप को रिमूव करने के लिए, कप को बाहर निकालने के लिए स्टेम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो ग्रिप लाइंस हैं, आप बिना स्टेम के भी अगर कप को यहाँ से पकड़े और इसको पकड़ के खींच ले, आराम से कप बाहर आ जाता है। कप रिमूव करने के लिए कभी भी सिर्फ खींच कर नहीं निकालना चाहिए, उसको जब पहना हुआ है और आप खींचेंगे तो दर्द हो सकता है। आप बेस को ऐसे पिंच करते हैं जिससे कि ये एयर होल में से हवा अंदर जाती है, और वो ऐसे प्रेस करके फिर निकालते हैं, तो आपको निकालने में दर्द बिल्कुल नहीं होगा। दोनों कप्स में अगर आपको दिखे यहाँ पे ध्यान से, मेजरिंग लाइंस बनी हुई हैं ताकि आप नाप सकें कि आपका कितना ब्लीडिंग हो रहा है हर महीने। दोनों में एयर होल्स हैं, शी कप में 4 एयर होल्स हैं, एलेक्स कप में 2 एयर होल्स हैं। दोनों का रिम सिमिलर सा है। मटेरियल वाइज मुझे शी कप का मटेरियल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, और सॉफ्टनेस अगर आप देखें तो दोनों सॉफ्ट कप्स हैं, लेकिन एलेक्स कप ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड हैं, स्विमिंग रनिंग करते हैं, उनके लिए ये शायद लीक करे, तो उन्हें फर्मर कप्स यूज़ करने चाहिए। शी कप से भी थोड़े से हार्ड कप्स आते हैं जो फिज़िकली एक्टिव लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। एलेक्स कप की ग्रिप लाइंस ऐसी हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, गोल नीचे बेस के आसपास, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, यूज़ करने में ईजी रहता है। शी कप की ग्रिप लाइंस ऐसे लंबी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इसको रिमूव करते टाइम वो कुछ हेल्प करती हैं, लेकिन इसके नीचे ये नॉब है, तो आप इसको आराम से इससे पकड़ के ग्रिप ले सकते हैं। शी कप के नॉब को काट नहीं सकते हैं, एलेक्स कप के स्टेम को काटा जा सकता है अगर वो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो इसको अगर आपने काट दिया तो एजेस काफ़ी रफ हो जाएंगे और आपको पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल रहेगा, अंदर चुभ भी सकता है। शी कप का डायामीटर 43 mm है, एलेक्स कप साइज 1 का 43, साइज 2 का 47। और अगर हम लेंथ कंपेयर करें, शी कप की लेंथ जो मैन्युफैक्चरर ने दी है वो है नॉब को मिला के 59.5 mm, और एलेक्स कप की जो मैन्युफैक्चरर ने दी है 55 mm। बट मैं ये दोनों साथ में रखती हूँ तो ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, इनफैक्ट शी कप से भी थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है। बट मेरे हिसाब से बिना स्टेम के इसकी लेंथ भी अराउंड 60 mm है, स्टेम की लेंथ 25 mm है। शी कप की कैपेसिटी एयर होल्स तक 16 mm है, और ऊपर तक रिम तक 28 mm है। आइडियली आपको कप जब एयर होल्स तक भर जाता है तो निकालना पड़ता है, अगर आप नहीं निकाल के खाली करेंगे तो ये लीक कर सकता है। एलेक्स कप की कैपेसिटी एयर होल्स तक प्रोवाइडेड नहीं है, रिम तक इसकी कैपेसिटी साइज़ 1 की 34 mm है और साइज़ 2 की 42 mm है। तो आप देख सकते हैं उसका शेप साइज़ ऐसा है, ये बड़ा है, तो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा फ्लूइड आ सकता है।